हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि हम आधार कार्ड या आधार कार्ड अपडेट करना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए हमें हमारे गांव के तहसील में आधार एनरोलमेंट सेंटर जाना पड़ता है, जिसमें दोस्तों वहां पे बहुत गर्दी होती है और हमें बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों ऐसे ही UIDAI ने, यानी दोस्तों आधार कार्ड वालों ने हमारे लिए एक सर्विस जनरेट की है, जिसमें दोस्तों हम घर बैठे अपने मोबाइल से अपॉइंटमेंट बुक करके आधार एनरोलमेंट सेंटर जाके हाथों हाथ अपना आधार कार्ड नया या अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम आधार कार्ड की अपॉइंटमेंट कैसे बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आपको अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउज़र में जाना है। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद दोस्तों आपको टाइप करना है UIDAI। जैसी दोस्तों आप ये टाइप करते हैं आपको इसे सर्च करना है। सर्च करने के बाद दोस्तों आपके सामने UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई देंगी, आपको इस पर टिक करना है। इस पर टिक करते ही दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का पेज दिखाई देगा, जिसमें दोस्तों आपको आधार के कई सारे सर्विसेज दिखाई देंगे। तो दोस्तों आपको सबसे पहले इसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना है, जैसे कि ऊपर आपको AA दिख रहा, आपको इस पर टिक करना है और इसमें इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे वैसे आपके सामने दोस्तों ये मराठी से इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। दोस्तों कुछ इस तरह के आपके सामने ऑप्शन दिखाई देंगे, आपको सबसे पहले बॉक्स में लोकेट एन एनरोलमेंट सेंटर, बुक एन अपॉइंटमेंट, चेक आधार स्टेटस, डाउनलोड आधार, ऐसे कई सारे दोस्तों ऑप्शन दिखाई देंगे। तो आपको दोस्तों बुक एन अपॉइंटमेंट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुल के आएगा, जिसमें दोस्तों आपसे पूछा जाएगा आपका स्टेट, आपकी सिटी लोकेशन, और दोस्तों दूसरा नंबर के ऑप्शन में आपसे पूछा जाएगा बुक एन अपॉइंटमेंट एट रजिस्ट्रार रन आधार सेवा केंद्र। तो दोस्तों आपको थोड़ा नीचे आना है और दो नंबर का जो ऑप्शन है दोस्तों आपको प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। दोस्तों आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। दोस्तों मोबाइल नंबर और कैप्चा डाल लेने के बाद आपको सेंड OTP पर क्लिक करना है। जो OTP आप जो मोबाइल नंबर आपने दिया है उस पर दोस्तों आपको एक OTP आएगा। जैसे ही आप सेंड OTP पर क्लिक करते हैं आपके मोबाइल नंबर पर दोस्तों एक ऐसा OTP आएगा, जिसे आपको नीचे फिल कर देना है। वो OTP दोस्तों आपको इस नीचे वाले बॉक्स में डालना है और सबमिट OTP एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने दो ऑप्शन दिखाई देंगे, न्यू एनरोलमेंट, अपडेट आधार। दोस्तों अगर आप नए आधार कार्ड के लिए करना चाहते हैं तो न्यू एनरोलमेंट पर क्लिक कीजिए, और आधार कार्ड में कुछ करेक्शन करना है, आधार आप अपडेट करना चाहते हैं तो आप आधार अपडेट पर क्लिक कीजिए। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा न्यू एनरोलमेंट के लिए अपॉइंटमेंट किस तरह बुक की जाती है। तो दोस्तों मैं न्यू एनरोलमेंट पर क्लिक करूंगा। दोस्तों जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे आपसे आपका नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर और रेसिडेंट टाइप पूछा जाएगा। तो दोस्तों आपको इसे फिल कर लेना है। ये होने के बाद दोस्तों आपको सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये दो ऑप्शन पूछे जाएंगे,
जिसमें आपसे पूछा जाएगा आई हैव वैलिड डॉक्यूमेंट एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस। जिसमें आपसे पूछा जाएगा दोस्तों आपको आपका पहचान पत्र और आपके एड्रेस का कुछ डॉक्यूमेंट इसमें जोड़ना होगा। और दूसरे ऑप्शन में आपसे पूछा जाएगा आई वॉन्ट टू एनरोल विथ माई रिलेटिव्स आधार नंबर और EID एंड आई हैव ए वैलिड प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट। यानी दोस्तों आपके रिलेटिव का आधार कार्ड है, आप उससे भी अपडेट कर सकते हैं, तो आपसे ये पूछा जाएगा। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं, सबसे पहले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे आपका एड्रेस मांगा जाएगा जो आपको दोस्तों इसमें डाल देना है। इसमें दोस्तों आपको आपका पिन कोड डाल देना है। दोस्तों आप जैसे ही आप अपना पिन कोड डालेंगे, ये वेरीफाई होके खुद ब खुद दोस्तों आपका पिन कोड वेरीफाई कर लेगा। आपको बाकी इसमें सब अपना एड्रेस डालना है, लैंडमार्क डालना है, एरिया डालना है, और दोस्तों यहाँ पे आपको विलेज टाउन सिटी यानी आपका विलेज सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको अपना पोस्ट ऑफिस सिलेक्ट करना है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ स्टेट। ये होने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा नीचे आना है। यहाँ आपसे मांगी जाएंगी आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जिसमें दोस्तों आपका मोबाइल नंबर ऑलरेडी होगा। अगर आपके पास में ईमेल एड्रेस है तो आप इसमें ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं। ईमेल एड्रेस डालने के बाद दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट लिस्ट यानी दोस्तों आपसे आपका आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट प्रूफ मांगा जाएगा, आपका एड्रेस प्रूफ मांगा जाएगा और आपका बर्थ प्रूफ मांगा जाएगा। तो दोस्तों आपको आइडेंटिटी प्रूफ में आपके पास अगर पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है या ड्राइविंग लाइसेंस है, बहुत सारे दोस्तों इसमें ऑप्शन दिए हैं। आपके पास में इन ऑप्शन में से जो कुछ भी है दोस्तों आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं पैन कार्ड सिलेक्ट करूँगा। और दोस्तों एड्रेस प्रूफ में आपसे कई सारे इसमें ऑप्शन है दोस्तों, बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे जिसमें से आप एक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं एड्रेस के लिए सिलेक्ट करूँगा अपना राशन कार्ड। और नीचे आपसे मांगा जाएगा दोस्तों बर्थ डॉक्यूमेंट यानी आपका बर्थ प्रूफ। तो दोस्तों इसके लिए मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे अपना बर्थ सर्टिफिकेट। ये सब होने के बाद दोस्तों आपको एक नीचे ऑप्शन दिखाई देगा सेव एंड प्रोसीड। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही दोस्तों आपने जो डिटेल फिल की है उसका आपको यहाँ रिव्यू दिखाया जाएगा। दोस्तों इसमें आप ठीक तरह से चेक कर सकते हैं, अगर कुछ गलती है तो दोस्तों यहाँ एडिट पर आप टिक करके अपनी एडिटिंग कर सकते हैं। ये सब चेक कर लेने के बाद दोस्तों आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा डिस्कलर्स अंडर सेक्शन। तो दोस्तों आपको इस पर टिक करना है और नीचे सबमिट पर क्लिक करना है। ये होने के बाद में दोस्तों योर एप्लीकेशन हैज़ बीन क्रिएटेड यानी दोस्तों अभी आपका एप्लीकेशन क्रिएटेड हो गया है। अब आपको दोस्तों अपॉइंटमेंट बुक करनी है, तो आपको बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने सर्च एनरोलमेंट सेंटर यानी दोस्तों आपके गांव में एनरोलमेंट सेंटर कहाँ कहाँ है दोस्तों आपको सर्च करना है। तो उसके लिए दोस्तों अगर आपको आपके सेंटर का नाम मालूम है तो आप सेंटर का नाम डाल के भी सर्च कर सकते हैं, पिन कोड डाल के भी सर्च कर सकते हैं, या तो दोस्तों अपना स्टेट, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना पोस्ट ऑफिस और अपना विलेज यानी गाँव ये सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों हम सिंपली अपना यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे अपना पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे अपना विलेज, और दोस्तों गेट डिटेल पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप गेट डिटेल पर क्लिक करते हैं आपको थोड़ा नीचे आना है। यहाँ पे दोस्तों आपके गांव में जहाँ भी आपका एनरोलमेंट सेंटर है वो दिखाई देगा। सिंपली दोस्तों आपको नीचे दो ऑप्शन दिखाई देंगे, व्यू ऑन मैप, बुक अपॉइंटमेंट। तो दोस्तों आपको बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं दोस्तों आपको थोड़ा नीचे आना है। आपके सामने कुछ इस तरह का कैलेंडर दिखाई देगा,
जिसमें दोस्तों आप जिस दिन की भी अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं आप उस तारीख को सिलेक्ट कर लीजिए। उस तारीख को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको कितने बजे की अपॉइंटमेंट बुक करना है आपको यह टाइम दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे कई सारे स्लॉट दिए हुए हैं जिसमें से आप अपने पसंद से टाइम सिलेक्ट करके आधार एनरोलमेंट सेंटर जाके उस टाइम में अपना आधार कार्ड निकाल सकते हो। तो दोस्तों मैं 11:40 की अपॉइंटमेंट बुक करना चाहता हूँ, सिंपली मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों सबमिट पर क्लिक करूँगा। जैसे ही दोस्तों आप सबमिट पर क्लिक करते हैं यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कन्फर्म योर बुकिंग। तो दोस्तों आपको दो नीचे ऑप्शन दिखाई देंगे, आपको कन्फर्म ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप कन्फर्म ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा जिसमें आप ओपन पर क्लिक करके अपने मोबाइल में डायरेक्ट PDF ले सकते हैं। दोस्तों ये आपकी अपॉइंटमेंट लेटर है, जो लेटर आपको आधार एनरोलमेंट सेंटर लेके जाना है। आप इसे एक आधे ऑनलाइन कैफे पर प्रिंट कर सकते हैं या तो दोस्तों अपने मोबाइल में आधार ऑपरेटर को बता के अपना आधार कार्ड अपडेट करा सकते हैं। दोस्तों ये एक ऐसी सुविधा है जिसमें हमें आधार एनरोलमेंट सेंटर खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। ये अपॉइंटमेंट हम जब भी बुक कर लेंगे जो इसमें टाइमिंग दिया हुआ है उसी टाइम पर आपका आधार कार्ड अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा ज़रूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।